तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल नेवर मैकेनिकल। आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाला है, ये आप लोगों का ट्रांजेक्ट मिलर है एजेक्स का, इसमें किर्लोस्कर का इंजन लगा हुआ है। मतलब इसका प्रॉब्लम ये है, अभी हम लोग फुल रेस्ट जब भी दे रहे हैं इसका सफ़ेद धुआं मार के आरपीएम ड्रॉप हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या अभी तक पता नहीं चला है। हम लोग आप लोगों को चेक करेंगे और दिखाएंगे वीडियो को, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को देखिए अच्छे से। तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से धुआं मार रहा है, तो इसका डीजल का ही प्रॉब्लम जैसा लग रहा है। तो हम लोग बारीकी से एक बार फिल्टर सब कुछ चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। ये वाला डीजल फिल्टर खोल के देख लेते हैं एक बार, शायद इसमें कचरा हो, क्योंकि इसका फिल्टर चेंज किया हुआ, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, फिर भी एक बार खोल के देख लेते हैं। और बाकी मेन पाइप से डीजल तो बारीकी से आ रहा है जैसा लग रहा है, हो भी सकता कम भी आ रहा हो, फिर भी एक बार चेक कर लेना पड़ेगा इसको। तो गई इसमें ज़्यादा कचरा, मतलब कचरा है नहीं इसमें, तो ये इसको फिर से लगा देते हैं। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे वाटर सेपरेटर, क्योंकि बहुत दिन हो गया था वाटर सेपरेटर चेंज नहीं किया है। तो इसको देख लेते एक बार खोल के, शायद कचरा हो इसमें भी। तो इसमें भी कचरा नहीं दिख रहा है, डीजल बिल्कुल साफ लग रहा है। तो वैसे अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए नेवर मैकेनिकल चैनल को, मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ, और बने रहिए वीडियो में एंड तक। सो इसको पंप मार के एक बार स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। रेस दे, रेस दे। तो गाइस देख सकते हैं सेम प्रॉब्लम है अभी भी। तो हम लोगों ने अभी मेन पाइप खोल रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि इसमें कचरा हो सकता है थोड़ा बहुत, जितना फिल्टर को डीजल चाहिए उतना नहीं दे पा रहा है शायद, वो भी हो सकता है। तो हम लोगों ने अभी ये पाइप खोलने का खोल रहा है मतलब अभी, तो दिखाएंगे आप लोगों को क्या है। और उसके बाद जो आपका मेन पाइप है वो नीचे तक टेंगी का अंदर गया, वो उसको भी खोल के दिखाएंगे, क्योंकि बारीकी से चेक करना पड़ेगा एक एक करके, क्योंकि प्रॉब्लम अभी भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि डीजल सबको मिल रहा है फिर भी, मतलब ये रेस देने पर ही पिकअप छोड़ रहा है। तो देख सकते हैं ये अभी 32 नंबर का सॉकेट लगा के इसको खोला है, जो भी है डीजल वाला मेन पाइप है, इसमें कुछ भी कचरा नहीं है। ये भी खोल के देखा है, ना फिल्टर लगा है ना कुछ लगा है, तो इसमें ब्लॉक होने का कुछ चांसेस नहीं है कचरा होने का। तो हम लोग दूसरा उपाय करके इंजन को एक बार स्टार्ट करके देखेंगे, जो नीचे वाला फिल्टर है हम लोगों का कागज वाला, वहाँ से कनेक्ट देंगे ऊपर वाला पंप में, मतलब पिट पंप में। तो देख सकते हैं नीचे से जो पाइप आया है उसको ये पंप में लगा है, और जो ये पंप का ऊपर से आया जो सप्लाई वाला पाइप वो हम लोगों ने लगा दिया है पंप में, जो कि मेन लाइन है। अभी एक बार इंजन स्टार्ट करके देखेंगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर वाटर सेपरेटर का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देख सकते हैं अभी डायरेक्ट करने के बाद कुछ भी स्मोक या फिर धुआं कुछ चीज़ भी नहीं हुआ है,
सब कुछ ठीक है। अभी हम लोगों को प्रॉब्लम भी पता चल गया है, ये इसका फिल्टर का, वाटर सेपरेटर का कैचिंग और वाटर सेपरेटर हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, क्योंकि ये अच्छे से डीजल नहीं दे पा रहा है। तो इसको हम लोग मंगा के लगा देंगे, खाली हम लोग चेक करने के लिए ही ये सब किया था। गाइज आप लोग मत कीजिएगा ऐसा, क्योंकि बाद में पंप में आपका डीजल पंप में कचरा जा सकता है, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। खाली हम लोग चेक करने के लिए बस 2 मिनट के लिए लगा के चेक किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मेरे चैनल में नया तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।